हेलो फ्रेंड्स, आशीष स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं साड़ी से गाउन बनाना बताऊंगी। ये मेरा साड़ी है, देखिए ये दो कलर में साड़ी है, शेडेड साड़ी है। ये ऊपर पिंक कलर दिया है और नीचे ये रेड कलर दिया है और ये उसका बॉर्डर है। इस साड़ी से मैं प्लेट वाला गाउन बनाऊंगी, अम्ब्रेला नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये शेडेड है तो इसमें अम्ब्रेला अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये जो इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर मैं पूरा नहीं निकालूंगी, ऊपर का जो मैं बनाऊंगी चोली बस उसी के लिए बॉर्डर निकालूंगी, बाकी जो नीचे प्लेट लगाऊंगी नीचे बॉर्डर हमको फिर से अटैच करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी में छोड़ दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का मेजरमेंट देख लेते हैं। ये देखिए, ये साड़ी ऐसे है, ये नीचे दिया है और ये ऊपर दिया है। तो सबसे पहले हम यहां से कट कर लेंगे 1 मीटर ऊपर का चोली बनाने के लिए। ऊपर का चोली बनाएंगे तो रेड कलर का बनाएंगे क्योंकि जो घेर में हम ये ऐसे रखेंगे तो ऊपर चोली रेड कलर का रहेगा और बीच में पिंक आएगा और नीचे फिर से रेड कलर आएगा। सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े काटेंगे तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसको ऐसे 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे तो लंबाई हमको 16 इंच चाहिए। अब इसके बाद से हम शोल्डर को नापेंगे तो शोल्डर हमको 7 इंच चाहिए, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। और फिर हमको आर्म होल नापना है तो आर्म होल हम 6 इंच ले रहे हैं। और फिर यहाँ से हम चेस्ट नापेंगे तो चेस्ट है 40 इंच, उसका चौथा भाग 10 इंच हो जाएगा और उसमें हम 2 इंच सिलाई के लिए रखेंगे तो इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे 12 इंच पे। और फिर नीचे कमर है 34 इंच तो 34 का चौथा भाग हो जाएगा 8.5 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच में निशान लगा लेंगे ऐसे। और फिर इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ और लंबाई बैक पार्ट की लंबाई 3 इंच और फ्रंट पार्ट की लंबाई 6 इंच। गोल गला ही मैं बना रही हूँ, दोनों को ऐसे गोलाई में मिला लेंगे। आर्म होल की गहराई बैक पार्ट के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे। अब इसको हम ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ कंधे पर हम नीचे 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर के दोनों पार्ट की मैं कटिंग कर ली हूँ। ये फ्रंट पार्ट है तो इसको मैं यहाँ से अलग कर दूंगी ये साड़ी वाले कपड़े को, क्योंकि यहाँ मुझे डिजाइन बनाना है। अब मैं नीचे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। एक बार मैं फोल्ड की हूँ पहले से ही और एक बार और फोल्ड कर ले रही हूँ ऐसे। अब नीचे घेर की लंबाई 38 इंच रहेगी तो उससे हमको 5 इंच छोटा लेना है ये लाइनिंग वाला कपड़ा। ये 33 है, इसकी लंबाई ठीक है। हम यहाँ निशान लगाएंगे कमर के हिसाब से तो कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 8.5 इंच और उसमें हम 2 इंच सिलाई के लिए प्लस करेंगे तो 10.5 पे निशान लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ से हम ये घेर हम पूरा ले लेंगे ऐसे, एक हमको निशान लगा लेना है। यहाँ ऊपर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से हम इसको गोलाई में मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग मैं कर ली हूँ। अब हम
ये साड़ी वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई जितना मुझे लेना था उतना मैं ले ली हूँ, 38 इंच है। और इसकी चौड़ाई मैं 80 इंच रखी हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब प्लेट में चला जाएगा। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव की कटिंग का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। इसको देखिए, इसको भी ऐसे फोर लेयर में फोल्ड करके रखना है और मैं छोटा स्लीव बनाऊंगी। कटिंग हो गई, अब मैं स्टिचिंग शुरू करूंगी। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का ये जो कटिंग किए हैं इस पर हम डिज़ाइन बना ले रहे हैं, फिर हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो ये जो बीच से हम कट किए हैं, यहाँ पे हमको ऐसे 1.5 इंच इतना चौड़ा पट्टी लेना है ऐसे, और ऐसे सिलाई करके उसको पलट के फिर सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में। और फिर 4 इंच ये चौड़ा एक पट्टी और ली हूँ, इसको ऐसे नीचे रख के और फिर इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए मैं ये ऐसे ट्रायंगल में पीस काट के और इसकी सिलाई कर ली हूँ। इसकी सिलाई मैं कर ली हूँ। अब ये चौड़ा वाला पट्टी लेना है, इसको ऐसे फोल्ड करके बीच से और आधा इंच अंदर के साइड इसको रखेंगे और एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये लाइनिंग वाले कपड़े को रखेंगे ऐसे और गले पर सिलाई लगा लेंगे। गले पर सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद हम चारों साइड सिलाई लगा लेंगे।
इसमें हम दो प्लेट डालेंगे, ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे और एक प्लेट हम यहाँ डालेंगे और एक प्लेट इधर डालेंगे और बैक पार्ट में भी हम दो प्लेट डालेंगे। स्लीव भी मैं रेडी कर ली हूँ। अब हम ऊपर वाले पार्ट का शोल्डर जोड़ लेंगे और फिर स्लीव को उसमें अटैच कर लेंगे। स्लीव को जोड़ते समय ये ध्यान देना है कि ये जो हम हाफ इंच गहराई लेते हैं स्लीव में, इसको हमको फ्रंट पार्ट के सामने रखना है। ऐसे इसको रखेंगे और इस पर हम स्टिच कर लेंगे। स्लीव को भी मैं अटैच कर ली हूँ। अब मैं नीचे का घेर बनाऊँगी। ये घेर वाला कपड़ा है, नीचे ये बॉर्डर रहेगा और ऊपर हम ऐसे इसमें प्लेट डालेंगे। ऐसे करके इसमें हम प्लेट डालेंगे। ये प्लेट डाल के मैं लाइनिंग वाले कपड़े में मैं अटैच कर ली हूँ। अब हम इसको ऊपर वाले पार्ट में ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट को मैं ऐसे ज्वाइंट कर ली हूँ। अब हमको फिटिंग का सिलाई लगाना है, तो फिटिंग का सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से लगाते हुए आएंगे और नीचे यहाँ 3 इंच के लगभग हम यहाँ तक सिलाई लगा लेने के बाद, पहले हम लाइनिंग वाले कपड़े को ऐसे अलग पकड़ के यहाँ से हम सिलाई नीचे ले जाएंगे और फिर ये साड़ी वाले कपड़े की स्टिच कर लेंगे और उसके बाद से हम नीचे ये लाइनिंग वाले कपड़े को फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।